अगर आप और आपका दोनों सुबह उठे हुए हैं और उठे रहेंगे तो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट दिस टर्म कॉल्ड मर्दाना कमजोरी। मैंने ये मामला टेस्ट करने का नहायत ही नॉन साइंसदाना और नॉन डॉक्टराना तरीका बताया। इट्स वर्किंग फाइन फॉर मी, सो आई जस्ट शेयर्ड इट। मुझे इस टॉपिक को लेकर किसी को हर्ट नहीं करना है, बल्कि इस ऑब्सेशन को समझना है जो हमारे दिमाग में घुस के फट गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइटैनिक में टाइटैनिक का पानी घुसा था। ये पानी हमको या तो ऑलरेडी हॉन्ट कर रहा है या कभी ना कभी हॉन्ट करेगा जरूर। मैं ना तो कोई साइंसदान हूँ, ना ही हकीम की दुकान, ना ही कोई गयान हूँ, बस सीधा साधा अपना आजमूदा बयान। टूट का टूट पानी का पानी करते हैं इस मर्दाना कमजोरी के टॉपिक का। एंड अगेन आई एम क्लैरिफाइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज मेन हु आर सीकिंग हेल्प थ्रू क्वालिफाइड प्रोफेशनल। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिनका जहाज सही टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन फिर भी केला, खजूर, इंजीर, जैतून, शैतूत, सांडे का तेल, देसी वायग्रा, मैक्स फोलोदी, पावरफुल मछली प्लस इंक्रीज टाइमिंग फ्रीक्वेंसी जो चीखे निकाल दे टाइप्स में सुबह शाम घुसे पड़े जबकि जहाज सही टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन फिर भी मजीद कुछ तड़का लग जाए कि टॉपिक में गुम है। अबे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हमारा मसला आज तक यही चल रहा है कि हमारा जहाज किसी तरह बस रॉकेट बन जाए और फुल लाबोताब और शान के साथ हमें सुबह शाम सलूट मारता रहे। मेरा ख्याल हमें किसी इलाज की जरूरत नहीं है, सिर्फ थेरेपी की जरूरत है। और ये बात मैंने नहायत संजीदगी से की है। बहुत जानवराना सूरत हाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी और चीज का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो, या कोई और कमी थी या है जो हम अपनी जहाज की परवाज के जरिए पूरी करना चाह रहे हो, या फिर सेक्स इतनी हो गई है कि पानी का पानी हो गया, या फिर सेक्स के दौरान निकलने वाले नेचुरल केमिकल्स हमारे दिमाग से हमें एडिक्शन की तरफ लेके जा रहे हो, या फिर हमारी मिस्ट्रेस पोर्नोग्राफी ने हमें इतना बिगाड़ दिया है कि हमें इस कमजोरी के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। बनाना पावर इज द ओनली पावर, राइट? राइट। कहीं ये अना और हमारी ईगो का चक्कर तो नहीं है, या फिर प्लेजर सीकिंग के आलू में हम ओवर ही होते जा रहे हैं? कोई सेल्फ कंट्रोल बैलेंस नहीं रहा क्या? ना ही हमें अपनी नेचुरल फ्लाइट्स का स्केड्यूल समझ में आ रहा है, बस हर वक्त hakeemtanatan.com। किसी चीज की भी ज्यादती नुकसानदेह होती है, ये बात अगर हम आज ही समझ लें तो बेटर रहेगा, वरना बाद में तो बहुत दुख तकलीफ और खर्चा रहेगा। ये कोई ईगो पंप का मसला नहीं है, ना ही किसी और किस्म के पंप का। ये मसला है हमारी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न को पहचानने का और अपने ट्रू पोटेंशियल को एम्ब्रेस करने का, ना कि मुस्तकिल दूसरों के साथ कांस्टेंट कंपैरिजन में लगे रहें। ये कोई L20 क्रिकेट सीरीज का मैच नहीं है जिसमें हमें हाई स्कोर करना ही करना है। ओ भाई, जो बॉलिंग कर रही है अभी उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बात ही नहीं की है, वो भी एक रियलिटी है। ओवर विजुअल स्टिम्युलेशन, मतलब कि हमारा ज्यादातर वक्त ऑनलाइन रील्स, वीडियोस और फोटोज देखने में गुजर रहा, इसीलिए शायद हमारी सबकॉन्शियस माइंड में एक 1.5 मिलियन फॉलोअर्स वाली ग्लैमर मॉडल इन अ बिकिनी की तस्वीर छप सी गई है। दिस कुड बी जनरेटिंग सम अननेसेसरी फोर्स्ड अराउजल एंड आल्सो जनरेटिंग दैट कांस्टेंट नीड टू रिलीज। इजी भाई, इजी इजी। और भी बहुत से कंस्ट्रक्टिव मुख्तलिफ टॉपिक पे पेजेस हैं, उनको भी लाइक करें, उनको भी देखना शुरू करें, ताकि सोशल मीडिया का जो ऑटो पे एल्गोरिथम डिजाइन हुआ हुआ है वो आपकी टाइमलाइन को आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस करे, ना कि सिर्फ टोटा टॉपिक्स ही दिखते रहें। ओके, बैलेंस्ड टाइमलाइन यानी कि बैलेंस्ड दिमाग लाइन। वो कहते हैं ना कि जैसा देखोगे वैसा करोगे, जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे, तो अच्छे बुरे का फैसला आपका है और अपनी इनटेक का फैसला भी आपका ही है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी रियलिटी बन जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे यू आर व्हाट यू ईट। ना स्कोर का मसला, ना ईगो का मसला, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन भाई, दिस इज योर एंड एवरीबडी अराउंड यू की हेल्थ का मसला। प्लीज चीजों को नॉर्मल रखें, मेडिसिन को मेडिसिन समझें, ताकि खुदा ना खास्ता कभी कोई जिंदगी में प्रॉब्लम हो तो कंसल्टेशन के बाद सेफ प्रॉपर हेल्थ डिसीजन लेने में ही अकलमंदी है। अब पप्पा जान को ही ले लें, शुरू के 25 साल में ही उन्होंने अपने जहाज का फ्यूल टैंक ओंगी बोंगी फ्यूल डाल डाल कर खाली कर दिया। अब एक्स्ट्रा लैंडिंग फीस लगती है तो कहीं जाकर बात बनती है। तो बस अच्छा खाओ और नंगा नहाओ, एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी ईटिंग पैटर्न रखें, नट्स फ्रूट वेजिटेबल्स को पौका ना कराएं, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से भी जहाज के टेक ऑफ में मसाइल हो जाते हैं, तो चिल करें और चिल करने दें, अपने नॉर्मल टाइम पर टेक ऑफ की आवाज खुद आएगी। सो बिला वजह का ऑब्सेशन इज नॉट कूल, इट माइट बिकम अ प्रॉब्लम इंस्टेड। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द फ्लाइट डूड।
naturally. अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं जिसपे आप समझते हैं कि बहुत टॉप आइडियाज हैं और इस पे बात होनी चाहिए जानी, तो फौरन कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए जानी। आज बोल दूंगा डूड, उल्टी कर दूंगा डूड, फाड़ फूड दूंगा जानी। राजा का डूड हैगा पानी का पानी, डूड का डूड हैगा पानी का पानी। आपकी जात का दलिया हमारी अवलीन तरजीह है, मेटल का चपटा हिस्सा चढ़ा के पेटी कसलो भैंड।